हाँ गुड। टॉपिक है 15.1 है लाइट रेबर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देखिए टॉपिक्स हमारा क्या है, लाइट रेबल अलोंग द क्या स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइट जो होता है ना वो सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। सीधी रेखा समझते हैं ना, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, ना इधर ना उधर। आप सोचते होंगे नहीं होता है कि जैसे लड़का सब होता है लहरिया कट से मोटरसाइकिल चलाता है, इसे घूम घूम के, है ना। तो हम इंसान नहीं है क्या, खाली चाहते थे कि आप ही लोग चलाइएगा, है। हाँ तो मैं आपको बता देते हैं, अब लहरिया कट कब चलता है अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, है बात समझ में। लेकिन इसमें बड़ा दिक्कत होता है, लहरिया कट मोटरसाइकिल चला रहे तो अच्छी बात है, पुलिस देख लेगा ताहा लहरिया मारता है ना कि लहरे पर लहर निकलता है बात समझ में। आज तो तगड़ा फाइन कर दिया, 5,000 का फाइन कर दिया तो लहर कहाँ से निकलेगा बताने की जरूरत नहीं है, है बात समझ में। खैर छोड़िए, अब किसका लहर कहाँ से निकलेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो बस मतलब है लाइट के बारे में। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि कंसेप्ट क्या कहता है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो लाइट जो होती है ना वो बिल्कुल क्या होती है, स्ट्रेट लाइन चलती है, हमेशा सीधा चलेगा, ना इधर ना उधर। लाइट ही नहीं कि गली है तो गली में जाकर मानते कि गली है तो मुड़ के घुस गया इसे जाकर, है ना, चाहे जाकर सेट हो गया, फिर लाइट में ऐसा केस क्या होता है, नहीं होता है। लाइट हमेशा क्या करती है, सीधा चलती है। क्या होते है बच्चों, लाइट जो है हमेशा क्या होती है, सीधा चलती है। इस बात को याद रखिए। अब ये सर कैसे पता चलेगा कि सीधा चलती है, तो आपके घर में मोमबत्ती तो है ना, मोमबत्ती तो क्या कीजिएगा कि एक मोमबत्ती लीजिएगा और एक प्लास्टिक का पाइप ले लीजिएगा। बाबू इसको तो समझ में आ गया होगा, तो देखिएगा ये अपना ही वैरायटी का कोई लड़का है, आप लोग जैसा होनहार बच्चे यहाँ बैठकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो एक वो टेबल पे क्या किया है, मोमबत्ती जला रहा है, दिख रहा है ना मोमबत्ती, इसका दिख रहा है ना, तो मोमबत्ती जला रहा है और एक पाइप सीधा ले लिया है। तो इसने क्या किया, जब सीधा पाइप से इसको देख रहा है, एब्जर्व कर रहा है ना, तो ये मोमबत्ती उसको क्या होगा, जलते हुए दिखाई देगा। लेकिन दूसरा कंडीशन में क्या होता है कि ये लड़का पाइपों को टेढ़ा कर लिया, भाई कहना होता है कभी किसी फ्रेंड से दुश्मनी वगैरह हो जाता है तो उसका फ्रेंड का कर उसके पाइपों को मोड़ देता है, कहता है चल मोड़ दिया, आया बात समझ में, तब तो टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया तो क्या कीजिएगा, है ना। तो वही इसमें इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड हो गया है, तो इधर से इसका पार्ट थोड़ा ऊपर उठ गया फिर नीचे होगा, अब इसे देख रहा है, तो इसे देख रहा है तो मोमबत्ती दिखाई देगा, नहीं देगा। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि पाइप हमारा सीधा था तो लाइट हमें दिखाई दे रहा था, अब पाइप टेढ़ा हो गया है, बेंड हो गया है, इसमें दिखलाई क्या हो रहा है, नहीं पड़ रहा है। मतलब इसे साफ स्पष्ट होता है कि लाइट जो है हमेशा क्या करती है, सीधा ही चलती है, हाँ सीधा ही घुस जाती है। अच्छी बात है, बात समझ में आ गया। और टेढ़ क्या होती है, नहीं घुसती है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप चाहे मैंने उसे कह दिया, चलिए। तो वही लिखा है, लुक एट द कैंडल थ्रू द स्ट्रेट लाइन बेंड पाइप, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइट पाइप में पास कर रही है और बेंड पाइप में क्या हो रहा है, आपका जो है पास नहीं कर रही है। ओके बच्चो, यस या नो, कोई दिक्कत, चलिए इस तो समझ में आ गया होगा। तो काम कीजिए, फोटोवा बना लीजिए, खाली बस इसी को बना लीजिए, इस सीधा बस इसमें ऐसे बनाना है, घर से बनाइएगा, घर से आप बहुत पढ़ते हैं, नहीं ऐसे कीजिएगा, हम बता रहे हैं क्या कीजिए कि आप जो है बाबू उसको थोड़ा सा ऑफ रेड और बटन हुआ टिप दीजिए, वहाँ पीछे का रेड वाला बटन, यहाँ पर यहाँ है ना रेड कलर का बटन, खाली उसको टिप दीजिए।